हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृंदावन घूमने के बारे में। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन यही बिताए थे। वृंदावन मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन धाम राधा और कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। नंबर एक, बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना है। काले रंग की कृष्ण की मूर्ति को बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। नंबर दो, प्रेम मंदिर। वृंदावन में स्थित यह भव्य मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर के निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए और 11 साल का समय लगा था। नंबर तीन, इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनाया गया था। वृंदावन में स्थित यह भव्य मंदिर देखने लायक है। नंबर चार, श्री राधा रमन मंदिर। यह मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा 1542 में बनवाया गया था। इस मंदिर में राधा की मूर्ति मौजूद नहीं है। भगवान कृष्ण के पास रखा एक मुकुट ही राधा को दर्शाता है। नंबर पाँच, श्री रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर वृंदावन में स्थित है। यह वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। नंबर छः, गोपेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भक्त यहाँ शिवलिंग पर यमुना का पवित्र जल डालते हैं। वृंदावन धाम के मंदिरों में यह मंदिर देखने लायक है। नंबर सात, मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। यह एक खूबसूरत मंदिर है। नंबर आठ, श्री वृंदाकुंड। वृंदाकुंड वही जगह है जहां वृंदा देवी रोज बैठकर राधा और कृष्ण द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करते थे। यहाँ वृंदा देवी की सुंदर प्रतिमा भी है। वेल दोस्तों, ये तो थी वृंदावन के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।